नमस्कार दोस्तों, मैं रईस खान अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ रईस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं अपने इस कीबोर्ड के वीडियो में नेक्स्ट स्केल ई मेजर बताने जा रहा हूं। सी और डी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज हम करेंगे ई मेजर स्केल, स्केल कॉर्ड के नोट्स क्या हैं, इन्वर्जन क्या हैं, और स्केल आर ओ अग्रो के नोट एंड आर पी जी ओ के नोट कैसे प्ले करेंगे, तो ये सब हम ई मेजर में देखेंगे। जो भी हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक सीजन चल रहा है बेसिक टू एडवांस लेसन। तो कंप्लीट ये कोर्स क्लासेज है, तो जो ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से तो वो हमारे इस वीडियो को बैक टू बैक देखते जाएं और उसमें कंप्लीट कीबोर्ड पियानो लर्न करते जाएं। तो मैं एक बैक टू बैक हर स्केल में अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप देख के इसमें सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं ई मेजर स्केल के जो थ्री नोट हैं वो कौन से हैं। तो जैसे कि बताया मैंने, जिस नाम से जो कॉर्ड होता है वही लेटर फर्स्ट होता है। तो ई मेजर स्केल है तो फर्स्ट नोट ई, नेक्स्ट नोट एफ शार्प एंड डी, ये हो गया ई मेजर कॉर्ड। हम इसका फर्स्ट इन्वर्जन, ई नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो जी शार्प फर्स्ट नोट, जी शार्प बी एंड ई, राइट हैंड में भी ऐसे ही ई नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा जी शार्प बी। सेकेंड इन्वर्जन, जी शार्प नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये फर्स्ट नोट बी ई जी शार्प, बी ई जी शार्प, ये हो गया। सेम राइट हैंड में जी शार्प नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो फर्स्ट नोट बी ई जी शार्प, तो ये हो गए प्रॉपर कॉर्ड एंड दोनों इन्वर्जन। तो यहां जैसे कि फिंगर बताई है मैंने, 531 लेफ्ट हैंड, 135 राइट हैंड एंड 421 124, ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है कि बहुत जो कीबोर्ड सीखते हैं कीबोर्ड प्ले करते हैं किसी की फिंगर बड़ी होती है किसी की फिंगर छोटी होती है, तो हम फिंगर अपने कंफर्टेबल जोन में जाके शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है बी ई जी शार्प, तो यहाँ पर हम 521 भी ले सकते हैं, ये कम्फर्टेबल है। ऐसे यहाँ पर भी 531 135, ये मुझे कंफर्टेबल है तो यहाँ कर सकते हैं। ओके एंड ये अब देख लेते हैं स्केल के नोट आर ओ अग्रो के नोट क्या है इसके। ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प ई, अब इन नोट पे कौन सी फिंगर है, जो सी डी में लिए हमने वही फिंगर हम यहाँ यूज करेंगे। राइट हैंड की 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 डाउन 5 4 3 2 1 3 2 1, ये हो गया एक ऑक्टेव। अब हम पूरे कीबोर्ड में नोट प्ले कर लेते हैं। सेम ई से 1 1 2 3 1 2 3 4, डी स्टार 4 के बाद में 1 शिफ्ट करेंगे ई नोट पर 5 5 4 3 2 1 3 2 1 4 पे शिफ्ट किया था यहाँ पर, तो 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। ये राइट हैंड फुल कीबोर्ड, अब देख लेते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड फिफ्थ फिंगर ई नोट 5 4 3 2 1, थ्री फिंगरों शिफ्ट करेंगे सी शार्प 3 2 1, नीचे जाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया एक ऑक्टेव। अब इसको भी ले लेते हैं आगे, यहां से ले लेंगे सेम आगे तक 5 4 3 2 1 3 2 1, 1 के बाद हमें आगे जाना है तो एफ शार्प पर 4 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2
बाद ई, 1 2 3, 1 2 3 4 ई नोट, 1 2 3, 1 2 3 4 लास्ट 5। तो ये हो गया लेफ्ट राइट का नोट्स आर ओब्रो का एंड फिंगरिंग। अब देख लेते हैं इसका आरपीजियो लेफ्ट राइट। एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम दोनों हाथ से प्ले करते हैं नोट्स, तो नोट के ऊपर ही फिंगर होना चाहिए एग्जैक्टली परफेक्ट। ये नहीं कि हम ऐसे कर रहे हैं, साउंड कटना नहीं चाहिए, प्रॉपर बैक टू बैक हर नोट का साउंड मिलता रहना चाहिए। देखिए एक हाथ जब बजा रहे हैं तो दूसरा हाथ भी हमारा वही होना चाहिए। ये हो गया आरपीजियो। तो आपने ये वीडियो देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसमें स्टेप बाय स्टेप हर लेसन को, स्केल को एंड सॉन्ग आप लर्न करते रहें।